गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक्टिव मोड में आपका स्वागत है। इसमें हरियाणा के हम 100 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 कर चुके हैं, जिसमें हमने 100 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज पार्ट 4 है और इसमें हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके हरियाणा एसएससी में आपके लिए उपयोगी होंगे। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? महाराणा प्रताप के नाम से। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के नाम से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन हैं? तानसी और नूनसी मलिक। हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपये राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? एकलव्य पुरस्कार। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? 2010 में। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 2011 ईस्वी में। देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2002 में। हर्ष किस वंश का शासक था? वर्धन वंश का। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ है? मानेसर गुड़गांव में। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? 66.2 वर्ष। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 34.88%। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष करने वाली पहली महिला कौन थी? सनो देवी। 1967 में हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता कौन है? अभय चौटाला। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? 1981 ईस्वी में। हरियाणा में प्लस टू शिक्षा नीति किस स्तर से लागू हुई थी? 1985 से 86। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? स्कंद पुराण में। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? आनंद स्वरूप। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? 58। हरियाणा में कितने तहसीलें हैं? 80। हरियाणा में कुल कितने उप तहसीलें हैं? 50। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? 125। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? 154। गुड़गांव में मारुति आई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1983 में। प्राचीन स्थल भगवानुपुरा किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? 8वीं पास। पंचायत चुनाव कितनी किसकी देख रेख में होती है? राज्य चुनाव आयोग। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? 1400 1400 रुपये। हरियाणा में प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गुड़गांव। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल हिसार से। अशोककालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? दिव्यावधान में। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? 1973-74 में खोज हुई थी। ये खोज की थी R.S. बिष्ट ने। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? बनावली हिसार में। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया था? थानेसर में। 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। मिहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का केंद्र था? रेवा। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियों का स्थित है? मेवात में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौतिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? 3.59%। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? 1282 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौतिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? 2.9%। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? रेवाड़ी में। विश्व का सबसे पुराना चालू हवाई
हालत में रेल इंजन कौन है? फेरी क्वीन। हरियाणा में गठित गो सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनीराम मंगलाव। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? हिसार में। हरियाणा साहिवाल और गिरी किसकी नस्लें गाय की? बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? सरफाबाद। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रागड़ों ने। डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की गई थी? मीताथल भिवानी। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पलवल में। बागवानी से संबंधित उत्पादकों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड एम्बेसडर शुरू किया गया है? कौन सा ब्रांड शुरू किया गया? हरियाणा फ्रेंड। हरियाणा में 170 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क का स्थापित किया जा रहा है, जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दराही सोनीपत में फलों और फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? जींद, झज्जर और अम्बाड़ा में। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुड़गांव में। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिए जाते हैं? 5,000 रुपये। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1969 को। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? घनौर सोनीपत में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? 508 ग्राम। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दूध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? 4 रुपये। कोटला झील किस जिले में है? मेवात में। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनाना शुरू हुई थी? 1976 में। हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? घग्गर को। रॉबर्ट वाड्रा लेड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस SN ढिंगरा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। मार्च 2016 तक कितने ई नागरिक सेवा सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? 150। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षरता के अंक कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? 12%। हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? सुई जिला भिवानी। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई है? डॉक्टर मंगलसेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे हैं। प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही है? गरुंडा करनाल में। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? 80 एकड़ में। हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिशत कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 21 घंटे। 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया है? 1400 मासिक। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंद घर कहाँ खोला गया है? हसनपुर सोनीपत में। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपये का पहला पुरस्कार दिया गया है? सोनीपत में। योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? योग गुरु बाबा रामदेव को। डॉक्टर अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? 93,000 रुपये। गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपये। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित होगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए? 2715। हरियाणा के कितने लोग आजाद हिंद फौज में शहीद हुए? 346। 1886 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।